समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खां को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही। आपको बता दें कि शनिवार देर रात उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें देर रात दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आजम खां को सांस लेने की दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं शनिवार देर रात उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया, जहां करीब 3 बजे उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं आजम खां के बेटे और सर सीट से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम अपने पिता को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि आजम खान जेल से आने के बाद कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। भर्ती कराए जाने के बाद अस्पताल में आजम खान के कई चेकअप भी किए गए। उनके सीने की तकलीफ के चलते ईसीजी किया गया। आपको बता दें कि सपा विधायक 27 महीनों तक सीतापुर जेल में बंद रहे। उन पर बीजेपी सरकार के दौरान 90 केस किए गए। वहीं बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत मिलने पर सीतापुर जेल से बाहर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।